गैस यार MIUI 14 तो यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से रिलीज़ हो चुका है, लेकिन यार MIUI 14 के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि भाई अपने Redmi के किसी भी डिवाइस में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास Redmi Note 10 Pro Max हो, Redmi Note 10 S हो, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro हो, उसके साथ और भी कोई डिवाइस हो, तो उसमें यार काफ़ी सारे सिस्टम के जो अपडेट्स हैं वो आ चुके हैं, जिसमें आपको सिस्टम लॉन्चर भी मिलता है, एप्स वॉल्ट मिलता है जो कि MIUI 14 के एप्स वॉल्ट यूज़ कर पाएंगे, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे नए फीचर्स हैं जो कि MIUI 14 के हैं वो आप अपने फ़ोन में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यार ये काफ़ी बढ़िया वे है विदाउट किसी TWRP के, विदाउट किसी चीज़ को इंस्टॉल किए हुए, विदाउट यहाँ पर किसी प्रॉब्लम के, ये सारे एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे ही मज़े MIUI 14 के ले सकते हैं। तो भाई कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, कैसे यूज़ करना, कैसे कैसे यहाँ पर जो नए फीचर्स हैं वो आएंगे, तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। भाई चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पर से देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि MIUI 14 के अंदर Xiaomi ने रिलीज़ किए। सारे ही चाइनीज़ APK हैं क्योंकि इसको जो है वो भी चाइना में ही रिलीज़ किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर म्यूज़िक का जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है और ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस के साथ मिलता है। इसको आप इंस्टॉल कर लेना जिससे कुछ नए फीचर्स डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर आया है। कौन कौन से एप्लीकेशन है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो सिस्टम लॉन्चर है MIUI 14 का वो भाई यहाँ पर निकल कर आया। अभी आप देखेंगे मेरे पास Redmi Note 10 Pro Max है, मैंने इसको इंस्टॉल किया है। इसमें क्या है, इसमें फीचर ज़्यादा नहीं है बट इसमें यार ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें आप देखेंगे फ़ोन बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, क्योंकि जब से मैंने ये वाला जो सिस्टम लॉन्चर इंस्टॉल किया है तो स्मूथनेस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। और उसके साथ ही आप देखेंगे लेआउट में भी काफ़ी सारे जो नए फीचर्स हैं वो मिलते हैं, इनको आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, जो कि सब MIUI 14 वाले ही फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पर किसी भी मतलब अलग से एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वाले सारी जो फीचर्स हैं, सारे ऑप्शंस हैं वो आपको सिर्फ ये APK यानी कि जो सिस्टम लॉन्चर है इसको इंस्टॉल करने के साथ ही ये सारे फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो भाई ये जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं भाई MIUI 14 का जो सिक्योरिटी ऐप है वो भी यहाँ पर आ चुका है, इसको भी मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है। इसमें कौन से फीचर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो अगर आप सिक्योरिटी ऐप के अंदर जाते हैं तो इसका जो इंटरफेस है वो आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप बैटरी सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट या राइट करेंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का फीचर है वो अब यहाँ पर चेंज हो चुका है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल, कूल या फिर हॉट के नाम से दिखेगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर के नंबर्स आते हैं तब वो जा चुके हैं। तो ये फीचर इंस्टॉल करने के बाद ये वाला आपको आइकन जो है वो मिल जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पर और भी काफ़ी सारे फीचर जो है वो ऐड होने के लिए आपको मिलते हैं, तो आप इनको सबको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड है वो आपको ये वाले फीचर जो है सिक्योरिटी ऐप में मिलेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको MIUI 14 का जो अपडेटर है वो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो MIUI 13 का लोगो आ रहा है, यहाँ पर MIUI 14 का लोगो आता रहेगा, क्योंकि हालांकि अगर आपने देखा होगा MIUI 12.5 में MIUI 13 का लोगो आने लगा, तो सेम ऐसे भी MIUI 14 का लोगो यहां पर मिलेगा। तो आपको सिंपल ये वाला जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ ही एप्स वॉल्ट की मैं बात करूं तो भाई MIUI 14 का जो एप्स वॉल्ट है ये भी आपको देखने को मिलता है, यहां पर MIUI 14 के जो कुछ फीचर्स हैं मिलेंगे, कुछ यहां पर नए विजिट भी सेक्शन जो है वो यहां पर ऐड हो जाएंगे, लेकिन इस अपडेट में ये चीज जो वो देखने को नहीं मिली है। पॉसिबिलिटीज ये है कि नेक्स्ट अपडेट में डेफिनेटली ये चीज जो वो आपको पर देखने को मिलेगी। और गाइस यहां पर MIUI 14 का जो कैमरा का APK है वो भी निकलकर सामने आया है, तो इसमें काफी सारे जो नए फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, प्लस कुछ ऑप्टिमाइजेशंस भी मिलते हैं, तो आप इसको भी भाई ट्राई कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहां पर सबसे बड़ी बात है MIUI 14 का जो गेम टर्बो है ऑफिशियल वो निकलकर आ चुका है। अभी आप देखेंगे यहां से काफी सारे जो बग्स हैं वो फिक्स हुए हैं और यहां पर मोर स्मूदर एनिमेशन, ऑप्टिमाइजेशन प्लस परफॉर्मेंस मिलती है। तो चलिए मैं आपको यहां पर गेम टर्बो पहले दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहां पर मिलता है। तो यहां पर इसका जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। GPU CPU सारी चीज़ें यहीं पे दिख जाती हैं। उसके साथ ही अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे और भी फीचर्स मिलते हैं जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया है। और ये गेम टर्बो जो है ऑफिशियल है, और यहाँ पर इसके जो एनिमेशंस वगैरह है MIUI 14 के वो आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। तो ये जो सारे एप्लीकेशन है इनके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सिस्टम लॉन्चर जो है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको आप डेफिनेटली अपने डिवाइस में ट्राई करके देख सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, भाई चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी MIUI 14 के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।